और आपको इंप्रेस करने के लिए हर चीज करने लगे तो इसके लिए आपको लड़की के दिमाग को और लड़की को मैनिपुलेट करना आना चाहिए और लड़की को मतलब हा मत भरो। और लड़की आपकी आपको बस ये करना है कि आपको ऐसे शब्द इस्तेमाल करने no, बिल्कुल भी नहीं और गलती से लड़की कुछ गलत बोल दे और आपको बोलना तुम्हें पता है ये चीज तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बोलती है क्योंकि लड़की को मैनिपुलेट करने के लिए आपको उसे मेंटली स्टिमुलेट करना पड़ेगा आपने कभी सोचा है लोग इतनी दारू दारू क्यों पीते हैं क्योंकि दारू लोगों के इमोशंस को स्पाइक करता है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है दारू पीने के बाद वो खुश होंगे या रोएंगे क्योंकि लोगों को अपने दिमाग की रेगुलर सोच से निकलना होता है इसीलिए वो लोग दारू पीते हैं और मेरी बात का यकीन करना अगर आपने लड़के के इमोशंस को स्पाइक कर दिए सिर्फ अपने शब्दों और अपने बिहेवियर से लड़की आपकी आपको बस लड़की का जो नॉर्मल सोचने का तरीका है उस पैटर्न को इंटरप्ट करना है आपको बहुत ही और लड़की आपकी इसीलिए मैं फ्लर्टिंग शब्द को हटा के उसको टीजिंग से रिप्लेस करना चाहूंगा क्योंकि जब आप लड़की के इमोशन को ऊपर नीचे करते हो तो उसको बहुत मजा आती है और टीजिंग से अच्छी सही में कोई चीज नहीं है ब्रो क्योंकि टीजिंग लड़की के सामने आपकी लिमिट्स को बिल्कुल खिलवाड़ की तरह क्रॉस करने देता है जैसे कभी गलती से ज्यादा भी हो गया तो आप बेसिकली लड़की को बोल सकते हो यार तुम तो मजाक भी टॉलरेट नहीं कर सकती हो हाउ गेम ओवर टीजिंग लड़की को यह चीज जताता जता की मुझे अपने से बेटर नहीं समझ रहा है ये लड़का मैं कितनी खूबसूरत तो हूँ इस पे भी ध्यान नहीं दे रहा है ये मेरा मजनू नहीं है ये लड़का हर लौंडे से बिल्कुल अलग है भाई इसमें तो अलग ही बात है ये तो मुझे हंसा भी सकता है ये तो मुझे चिड़ा भी सकता है अब तो इसको पटाना ही पड़ेगा और जो चूतिया लौंडे

ट्रिगर पॉइंट्स या उसकी वीकनेस पता करनी है फिर इस छोटी सी राय के दाने के बराबर की वीकनेस को आपको पहाड़ बनाना है क्योंकि लड़की को नर्वस फील कराना बहुत जरूरी है इसीलिए वो जो भी बोल रही है उसकी बातों पे बहुत अच्छे से ध्यान दो छोटी छोटी चीजों को जज करो पूरे पूरे कॉन्वर्जेशन उस लड़की के बारे में ऐसे हो जाने चाहिए जिससे उससे लगे की ओ माई गॉड वॉट इज दिस बॉय ही इज सो स्मार्ट ही मेक्स मी नर्वस इससे बात करना कितना मुश्किल है और लड़कियों को चिड़ाओ टीज देम, इससे आप पूरे, पूरे पलट सकते हो क्योंकि एक बार अगर आपने लड़की की प्यार से बेजती कर दी तो वो इस दुनिया की हर ताकत लगा देगी अपने आप को सही प्रूफ करने में और फिर से बोल देता हूँ लड़की के साथ कभी भी अग्री मत करना और लड़की को चिड़ाना हमेशा मेरे काम आया क्यूकी उनको चिड़ाने के बाद जब मैं एक भी इतनी सी भी अच्छाई दिखा देता हूँ ना तो लड़की उसके लिए तरस जाती है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो जाते

क्योंकि लड़कियों को ऐसे लड़के बहुत पसंद है जो उन्हें लिटरली कंट्रोल कर सके जो उन्हें लीड कर सके और इसकी वजह से आप जब भी किसी भी लड़की से बात करोगे उस लड़की को लगेगा वो वो कितनी लकी है है कि वो आप जैसे हैंडसम स्मार्ट सेक्सी डूड से बात बात कर रही है। लेकिन एक छोटी सी बात याद रखना बार बार फ्लर्ट मत करना नहीं तो जो नशा लड़की को आपकी फ्लर्टिंग की वजह से महसूस हो रहा है वो गायब हो जाएगा तो आपको छोटी छोटी डोज देनी है कभी कभार बिल्कुल उल्टा बिहेव करना जैसे आप अभी तक कर रहे थे क्योंकि गलती से अगर लड़की के दिमाग में आपसे रिलेटेड कोई भी पैटर्न बन गया आपके लिए उस लड़की के मन में अट्रैक्शन खत्म इसीलिए कभी भी कोई भी कोई पैटर्न मत बनने देना नहीं तो आप प्रेडिक्टेबल हो जाओगे और लड़की आपको oh God, सार्थक तुम रुक क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया या मैं इस लायक नहीं हूँ लेकिन जब आप लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहे हो उसे मजा आ रही है या नहीं ये चीज बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करनी होती है क्योंकि अगर लड़की

फ्लर्ट करो करो भी तो ऐसे कि कि लड़की को समझ में ना आए कि ये क्या कर रहा है। याद रखना लड़कियों को कंफ्यूजन और नो no से बहुत प्यार है ये दोनों लड़की को देते रहो लड़की आपकी थोड़ी बहुत अंग्रेज के चौधे बन के जरा सी इंग्लिश भी बोल लो ना भाई फ्लोटिंग में तो ब्रो बेस्ट है उससे अच्छा और कुछ नहीं है नहीं भी बोल सकते हो तो फिर कर लो ऐसे ही कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा तभी फ्लर्ट करो जब आप उसके साथ फिजिकली प्रेजेंट हो क्योंकि तब जब आप फ्लर्ट करते हो ना इट इज जस्ट लाइक अ बिल्ड अप और अ फोर प्ले जिससे आपका सेक्सुअल टेंशन बहुत बढ़ जाता है कैन लिटरली टर्न ऑन और जो सोच रहे हैं मैसेजिंग पे कैसे फ्लर्ट करू ब्रो लड़कियों को मैसेज पे रिप्लाई भी मत किया करो और अगर कर भी रहे हो तो उसे हर बार ऐसे रिप्लाई करो जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकती याद रखना लड़की जब भी तुम्हारे साथ है या तुमसे बात कर रही है लड़की कभी भी बोल नहीं होनी चाहिए खुद लड़की से दूर हो जाओ लेकिन उसे बोर मत करना नहीं तो खेल खत्म समझो तो अगर इस पूरी को समाप्त करने के लिए फ्लर्ट दोस्त तो याद रखना आपको लड़की को पटाना नहीं है आपको लड़की को अपने आप अपनी तरफ आकर्षित करना है तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही तो भाई जाते जाते बोलूंगा ये वाला वीडियो जरूर देख लेना समझ जाओगे कि प्ले बॉय अपना खेल